होटल राजमहल एपिसोड 45 मिल के अन्याय। वहीं रात के तकरीबन 11 बजे विशाल और दिव्या अपने यहां वापस से होटल राजमहल में पहुंच गए हैं, लेकिन इस बार वे यहां अकेले नहीं आए हैं क्योंकि उनकी वजह से उनके साथ विनय भी वहां पहुंचा है। और वो वहां अचानक से कैसे पहुंचा इस बारे में उसे भी कुछ मालूम नहीं चला। बस उसकी आंखें कुछ कुछ लम्हों के लिए बंद हुईं और अगले ही पल जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली उसने अपने आप को विशाल और दिव्या के साथ इस होटल राजमहल में पाया। वहीं होटल राजमहल पहुंचते ही विनय आसपास के माहौल को देखकर, वहां के लॉबी को देखकर, वहां मौजूद सीढ़ियों और झूमर सब चीजों को देखकर अचानक से विनय को वही पुराने बीते हुए दिन याद आने लगते हैं। उसने यहां पूरे एक साल तक काम किया था और उसने काम के अलावा वहां क्या क्या किया था सब कुछ एक के बाद एक फ्लैशबैक की तरह उसके आंखों के सामने से होकर गुजरने लगते हैं, जैसे कि कोई फिल्म का सीन उसके सामने चल रहा हो। और जैसे ही होटल के लॉबी से होकर आगे गुजरते हुए वो आगे अपने कदम बढ़ाता है, अचानक से उसके माथे पर कसकर कोई वार करता है और वो धड़ाम से लॉबी में ढेर हो जाता है और तकरीबन अपने होश खो बैठता है। उसका सर उसे अचानक से भारी लगने लगता है, जैसे कि उस पर बेहोशी छाने लगी है। तभी अचानक से उसके ठीक सामने शनाया बजा जा जाती है और उसे उसके एक पैर से खींचते हुए घसीट घसीट कर सीढ़ियों से लेकर जाने लगती है। ऐसा करने की वजह से विनय का पैर उसके शरीर से जैसे उखड़ने को हो रहा होता है और उसके साथ ही उसके पूरे शरीर पर चोट लगने लगती है। वो जोर जोर से चिल्ला रहा है लेकिन जैसे उसकी गर्दन से कोई आवाज नहीं निकल पा रही हो, वो जैसे चिल्लाने के बावजूद भी जैसे चिल्ला नहीं पा रहा हो। वो अपनी हैरान और फटी आंखों से उसे घसीट कर ले जा रहे उस शख्सियत को देख रहा है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहा। जैसे कि उसके हाथ पैर किसी अदृश्य ना दिखाई पड़ने वाली रस्सी से बांध दिए गए हों। वो अपने साथ ये सब होता हुआ देख पा रहा है और अपनी आंखों से दर्द की वजह से आंसू बहा पा रहा है। इसके अलावा अपने हालात पर मजबूर होने के सिवा वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। वहीं जब शनाया बजाज की आत्मा विनय को सीढ़ियों से घसीट कर ले जा रही होती है, तब विशाल और दिव्या भी उसका पीछा करते हुए जल्दी जल्दी आगे सीढ़ियों की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आखिर में कमरा नंबर 2028 के अंदर दाखिल होकर शनाया ने एक फुटबॉल की गेंद की तरह विनय को अपने हाथों में उठाया और धड़ाम के साथ बिस्तर पर उसे जोर से पटक दिया। बिस्तर पर विनय के गिरते ही उसकी कई सारी हड्डियां जोर की आवाज के साथ चटक गई। इतने ज्यादा जोर से उसे फेंकने की वजह से विनय की पीठ की शायद कई सारी हड्डियां टूट गई और वो तब जाकर दर्द के मारे जोर से चिल्लाया और उसकी ये चीख पूरे होटल राजमहल में गूंज उठी और उसके साथ साथ पूरे होटल राजमहल की दीवारें भी चीखने लगी। लेकिन ये चीख सिर्फ होटल राजमहल की दीवारों के अंदर तक ही सीमित थी, क्योंकि वो राज ही क्या जो होटल राजमहल के बाहर तक चला जाए। और हमने पहले ही कहा है कि यहां होटल राजमहल में हर कमरे के कई सारे रहस्यमय राज हैं। वहीं शनाया की आत्मा बेहद ही ज्यादा गुस्से में है। उसके चेहरे की बनावट बेहद ही अजीब और डरावनी नजर आ रही है। उसका पूरा चेहरा सफेद दिखाई पड़ रहा है और उसके पूरे शरीर पर कई तरह के जख्मों के निशान नजर आ रहे हैं। उसका होंठ आधा कटा हुआ है और उसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए हैं। आंखों के नीचे काले बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं और पूरा चेहरा एक कंकाल की तरह पिचक गया है। आज तक सुंदर और खूबसूरत नजर आने वाली शनाया बजाज का चेहरा आज बिल्कुल भी खूबसूरत नजर नहीं आ रहा। जो भी आदमी
जिसने भी शनाया के खूबसूरत चेहरे की वजह से उसे चाहा होगा, वो अगर इस लम्हे में शनाया को देख लेता तो शायद उसकी दिल की धड़कनें, उसकी सांसें, सब कुछ बंद हो जाती और वो डर और दहशत की वजह से बेमौत मारा जाता। वहीं बिस्तर पर एक और गिरे हुए अपनी मजबूर हालत में विनय के हाथ और पैर अपने आप शट 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 की तेज रफ्तार के साथ मोटे मोटे कपड़ों के साथ बंधने लग जाते हैं। ये वही कपड़े होते हैं जो 7 साल पहले विनय ने शनाया बजाज के कमरे के बाहर खिड़की से फेंक दिए थे, क्योंकि कुछ कपड़ों पर नजर पड़ते ही विनय की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वहीं उसके हाथ बिस्तर के ऊपरी छोर पर और पैर बिस्तर के निचली छोर पर बंध चुके हैं, और वहीं एक मोटा सा कपड़ा उसके मुंह पर आकर बिल्कुल गोंद की तरह जबरदस्ती चिपक जाता है। और अपने मुंह पर उस कपड़े के बंधे होने के बावजूद भी तड़पते हुए बिलखते हुए विनय माफी मांगने की कोशिश करते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो शनाया, मुझे माफ कर दो। इस बार गरजते हुए शनाया कहती है, माफ कर दो, तू जैसे कमीने को माफ कर दो, कभी नहीं। लेकिन विनय दोबारा से गिड़गिड़ाते हुए कहता है, नहीं प्लीज, मुझे माफ कर दो। लेकिन शनाया उसकी कोई बात नहीं सुनती, और देखते ही देखते अगले ही पल उसके हाथों में एक चाकू नजर आने लगता है, एक तेज धारदार चाकू। और वो पलक झपकते ही ठीक विनय के पास उसके बिस्तर पर मौजूद होती है, और खच से उस तेज धार चाकू को विनय के कंधे के आर पार कर देती है। विनय की एक जोरदार चीख निकल जाती है उस कपड़े के बंधे होने के बावजूद भी। वो जोर जोर से बिलखते हुए रोने लगता है, लेकिन इस पर भी शनाया नहीं रुकती और अपनी जोरदार गूंजती आवाज में कहती है, तुमने क्या कहा, मैं तुम्हें माफ कर दूं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन शायद तुम ये भूल रहे हो, उस रात यही वही कमरा है, वही बिस्तर है, और ये वही जगह है, और अभी जैसी हालत में तुम मौजूद हो मेरी भी हालत ठीक वैसी ही थी, लेकिन क्या उस रात तुमने मेरी एक भी बात सुनी थी, क्या तुमने मुझे छोड़ा था, मैं तुम्हारे सामने अपनी जान की भीख मांगती रही थी, तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाती रही थी, लेकिन क्या तुमने सुना था, क्या तुमने मुझे जिंदा छोड़ा था, नहीं ना, तो मैं कैसे छोड़ दूँ। वहीं दरवाजे के पास खड़े विशाल ने दिव्या का हाथ पकड़ा होता है, और दोनों ये सब होते हुए अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। तभी दिव्या चिल्लाते हुए कहती है, शनाया मत छोड़ना इस राक्षस को, बिल्कुल मत छोड़ना, इसका वो हाल करना जो इसने कभी अपने सपने में भी ना सोचा हो। इतना सुनते ही शनाया ने अपनी खूनी लाल आंखों से गुस्सा उगलते हुए उस तेज धार चाकू को घुमाया और विनय के पेट के किनारे वाले हिस्से में चाकू से वार किया। खून बिल्कुल फुव्वारे की तरह पेट के हिस्से से निकलने लगा, और उसी के साथ एक और दर्दनाक भरी चीख पूरे कमरे में गूंज उठी, और साथ साथ होटल राजमहल की दीवारें भी चीखने लगी। विशाल और दिव्या को यह खूनी मंजर देखकर भी जैसे सुकून मिल रहा था। उन्हें नहीं पता था कि वे लोग ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं, लेकिन विनय जैसे एक दरिंदे के लिए ऐसा ही होना लाजमी भी था। इस तरह के दरिंदे वहशी लोगों के साथ यही होना चाहिए, जिससे कभी भी कोई इस तरह की दरिंदगी किसी के साथ करने का अपने ख्याल में भी ना सोच पाए। और जितना ज्यादा जोर से विनय चिल्लाता जा रहा है, उसके साथ उस कमरे की आवाज के साथ साथ पूरा होटल भी गूंज रहा है। उसके चिल्लाहट में जैसे होटल उसका साथ दे रहा है, जिसकी वजह से विनय को अपनी आवाज से भी डर लगने लगता है। वहीं शनाया
धीरे धीरे विनय के शरीर के एक एक हिस्से को जख्मी करती चली जाती है, जिससे पूरा का पूरा बिस्तर खून के रंग में रंगने लगता है। सफेद बिस्तर खून के लाल रंग से लाल पड़ने लग जाता है, लेकिन इस शनाया के अंदर इतना ज्यादा गुस्सा भरा है कि वो विनय की जान चले जाने तक उस पर वार करती रहना चाहती है। अभी विनय के मुंह से भी खून की धार बहने लगी है और उसके मुंह पर मौजूद कपड़ा भी खून के रंग से लाल पड़ चुका है, लेकिन अब भी आगे कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में विनय ने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। शनाया अपने आत्मा होने का फायदा उठाती है और धीरे धीरे विनय के बदन पर मौजूद कपड़े एक एक कर अपने आप उतरने लगते हैं और आखिर में उसके कमर के निचले हिस्से का कपड़ा भी उतर जाता है। इस वक्त वो पूरी तरह से बिना कपड़ों के उस बिस्तर पर बंधे हुए हालत में मजबूर मौजूद है। वहीं ये देखकर दिव्या अपनी नजरें नीची कर लेती है, लेकिन विशाल इस मंजर को अपनी आंखों से देखता जा रहा है और आगे अपनी गूंजती हुई और भर्राई हुई आवाज में शनाया कहती है, कुछ याद आया, मेरे साथ भी तुमने बिल्कुल ऐसा ही किया था। एक लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें छोड़ते और मैंने तुम्हें पकड़वा दिया था। बहुत बड़े मर्द हो ना तुम, मैं आज निकालूंगी तुम्हारी मर्दानगी। आज मैं बताऊंगी तुम्हें कि जब आपकी मर्जी के बिना आपके शरीर के हिस्से को तबाह किया जाता है तब कैसा लगता है। और फिर देखते ही देखते शनाया के हाथों में मौजूद वो तेज धार चाकू अपने आप विनय के गुप्तांग की ओर बढ़ने लगता है। ये देखकर विनय की आंखें दहशत में बड़ी होने लगती हैं और वो जोर जोर से बंधी हालत में छटपटाने लगता है। उसके मुंह से निकलता है, नहीं, नहीं। लेकिन होटल राजमहल जोर जोर से आवाज करने लगता है, ये सुनकर विनय का पूरा शरीर बुरी तरह से कांपने लगता है और फिर कुछ लम्हों के अंदर अंदर एक ऐसी दर्द भरी चीख उस कमरे में गूंज उठती है जो ठीक 7 साल पहले की याद दिला रही होती है। यहां फर्क बस इतना है कि उस रात ये चीख शनाया के मुंह से निकली थी, लेकिन आज ये चीख उस दरिंदे की निकली है जिसने बेकसूर शनाया को बेरहमी से मार दिया था। शनाया ने आज अपनी मौत का बदला ले लिया है। उसने इस बदले के लिए पूरे 7 साल इंतजार किया और हर रात उस दर्द को बर्दाश्त किया जो इस वहशी राक्षस ने उसे दिया था। वहीं उस दर्द भरी चीख के साथ खून का सैलाब पूरे बिस्तर को एक खून से भरे तालाब में तब्दील कर देता है और बुरी तरह से तड़पते तड़पते विनय की सांसें उसका साथ छोड़ देती है और उसकी मौत हो जाती है। वहीं विनय की मौत हो जाने के ठीक बाद शनाया जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी इतनी ज्यादा जोरदार होती है कि विशाल और दिव्या भी उसकी हंसी सुनकर कांप उठते हैं। दिव्या उस वक्त अपनी हैरान पड़ चुकी नजरों से शनाया की तरफ देखती जा रही है। वहीं अगले ही पल जोर जोर से हंसते हंसते शनाया रोने लगती है और रोते हुए विशाल की तरफ देखती है। विशाल, आज मुझे मुक्ति मिल रही है, लेकिन फिर भी मुझे दर्द का एहसास हो रहा है। विशाल अपनी नजरों को उठाकर शनाया की तरफ देखता है, जैसे कि पूछना चाहता हो कि उसे दर्द क्यों महसूस हो रहा है। शनाया कहती है, हम कभी भी एक इंसान को समझ नहीं पाते। जीते जीतो क्या, मरकर भी मुझे समझ नहीं आया कि आखिर एक इंसान चाहता क्या है। इस होटल में आज तक जो भी इंसान आया, मैंने उस हर एक इंसान से अपने लिए मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन
किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। सब लोगों को सिर्फ अपनी पड़ी थी और इस लालची दरिंदे की वजह से मेरी मौत हुई थी। और आज तुम हो जिसकी वजह से मुझे मुक्ति मिल रही है। सच में एक इंसान को पहचानना कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन तुम्हारी वजह से आज मैंने जाना कि सभी इंसान बुरे नहीं होते। कुछ इंसान तुम्हारी तरह भी होते हैं, अच्छे, नेक और ईमानदार। मुझे खुशी है इस बात की। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। विशाल शनाया की तरफ देखकर सिर्फ इतना कहता है, तुम्हें खुशी हुई इस बात को जानकर मैं बेहद खुश हूं, और तुम्हारी मुक्ति की वजह मैं हूं इस बात से ज्यादा खुश और कोई नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी मुक्ति की वजह बना, यही वजह मेरे लिए काफी है। और हां, कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, बुरे उसके हालात होते हैं। अपने हालातों की वजह से ही एक इंसान बुरे कदम उठाता है। शनाया विशाल की इन बातों को गौर से सुनती रहती है, और वहीं कमरा नंबर 2028 के दरवाजे की तरफ से एक तेज रोशनी आने लगती है। शनाया समझ जाती है कि अब उसके जाने का वक्त आ चुका है। वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगती है, और विशाल और दिव्या उसे जाते हुए देखकर हाथ हिलाते हैं। और देखते ही देखते उनकी नजरों के सामने से शनाया उस रोशनी में हमेशा हमेशा के लिए खो जाती है। तो क्या होगा कहानी में आगे? क्या और कैसी होगी अगली कहानी? विशाल और दिव्या को किसकी आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी? क्योंकि होटल राजमहल में अब भी ऐसी कई भटकती हुई आत्माएं हैं जो आज भी वहां भटक रही हैं, जिनकी मुक्ति सिर्फ और सिर्फ विशाल और दिव्या के कंधे पर टिकी हुई है।